एक दिन चलो हेलो 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 सबसे गुजारिश है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाइए प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज बी सीटेड, अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू ऑल प्लीज। I just want to talk about the safety and security of the minorities. Okay, thank you very much. Just 1 minute, I just want to put my word. Please. Sir, I appreciate giving my time. Just want to give 1-2 words. सबसे पहले मेरा एक ही ये है, यहाँ पे दर्द ये हो रहा है, वी नीड द सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द माइनॉरिटीज, बिकॉज व्हाट एवर द स्कीम्स यू रन, इफ वी आर नॉट सेफ, इफ यू आर नॉट अलाइव, ऑल द स्कीम्स विल वैनिश। वी नीड द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बिकॉज वी हैव सीन, वी हैव बीन मॉब्ड, वी हैव बीन, एंड पुलिस इज नॉट एक्चुअली, द एंटायर डिपार्टमेंट इज नॉट सपोर्टिंग द विक्टिम्स। डू यू हैव ऑल थिंग्स इन राइटिंग? वी कैन गिव यू एवरीथिंग इन राइटिंग सर। इन्फॉर्मेशन की बात नहीं है, ये आपको खुद अवेयर होना चाहिए कि आपको अगर कोई अपना ग्रेवांसी है वो लिखकर लेकर आना चाहिए। डेफिनेटली आई कैन गिव माय इन राइटिंग, आप आज शाम तक मुझे दे सकते हैं। मैंने अपनी मीटिंग शुरू करने से पहले कहा था कि कुछ लिमिटेड लोगों को मौका देंगे, बाकी हमें राइटिंग में दे दें एक बार, उसके अलावा भी कोई अगर बच जाए, कोई अगर बच जाए आप हमारी माइनॉरिटीज कमीशन के मेल पर भेजिए बाय पोस्ट। मैंने मीटिंग शुरू करने से पहले ये बात कही है, मेल करिए, राइटिंग में भेजिए, बाय पोस्ट भेजिए, 100% आपकी सुनवाई करेंगे, ठीक है ना। देखिए ऐसा है, हर किसी का एक शेड्यूल होता है, मेरी यहाँ पर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 12:30 बज चुके, समय था यहाँ 11:45 का, 11 बजे तक लोग आए नहीं। अब मुझसे आप जबरदस्ती ये अपेक्षा रखेंगे कि मैं सब मुझे दिल्ली भी वापस जाना है। सर हम आपकी इज्जत करते हैं, आपके टाइम की इज्जत करते हैं, आपने वक्त दिया, बस इतना ही है। अब आप इसको कंक्लूड कर दिए, मैंने आपको ये विश्वास दिलाकर जा रहा हूँ कि आपके द्वारा भेजी गई एक भी कंप्लेंट 100% उस पर एक्शन होगा, लिखित में दीजिए, ठीक है। मैम वेलकम टू इंडियन मीडिया बुक। मैम आज आप माइनॉरिटी की मीटिंग के एक हिस्सेदार थे और आपने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, तो आपकी पहले तो आपकी क्या प्रॉब्लम्स थी और दूसरी आपका कैसा लगा कि आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन निकलेगा? देखिए आज हम बहुत उम्मीद लेके यहाँ आए थे, हमें सोचा कि एक गवर्नमेंट से एक रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, माइनॉरिटी कमीशन से चेयरपर्सन सेंट्रल से आ रहे हैं, नेशनल कमीशन से, और वो हमारे बातें सुनेंगे। और हम यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके हम आए थे, जैसे कि बच्चों का एजुकेशन का मामला हो, जो और हमारे बच्चों की खोम की जो मॉब लिंचिंग हो रही है, और सो बहुत सारे बच्चों को जेल में बंद किया जा रहा है, और हमेशा हर एक कोई भी मामला लो, आपने देखा होगा कोविड के टाइम में वो कोविड को भी हमारे खोम को ही अपना जिम्मेदार बताया गया था, ऐसे सारे हर एक जगह से हर एक तरह से हमारा खोम को टारगेट किया जा रहा है, इसीलिए खोम पता नहीं हमें क्या करें क्या ना करें, बहुत मायूस में है। और हमारे जो पेंटअप जो इमोशंस है उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी था, हमने सोचा कि ये पेंटअप हमारा जो इमोशन है वो मोदी जी तक पहुंचेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत ही मायूसी होना पड़ा, क्योंकि हमारा कोई बात सुना नहीं गया, कोई भी सुनने वाला नहीं था, और उन्होंने हमारे सारे बातें काट रहे थे और हमारे प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए तैयार नहीं थे, जो
एजुकेशन का मामला हो, हमारे रहन सहन का मामला हो, हमारे बच्चों की सेफ्टी का मामला हो, हमारी सेफ्टी का मामला हो, वुमेन्स इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम्स वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और इसीलिए हमें जो आज का जो मीटिंग आप पूछ रहे थे ये क्या सक्सेसफुल था, मुझे लगता है इसको ये अटरली अनसक्सेसफुल, ये जस्ट एक वेंडेटा लेके आए थे अपना जो बीजेपी का जो गवर्नमेंट को बड़ा चढ़ा के बोलने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ के लोग जो बेसिक लेवल से आए हैं और विद सो मेनी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे दुखी होके आए थे, उनके बातें सुनी नहीं गई। तो मैम जो भी आपने प्रॉब्लम्स आपने बताई, तो दे आस्क्ड यू टू राइट इट इन अ पेपर एंड देन वो भी बहुत ही हुआ था। जब उन्होंने हमने फोन करके और बुलाए थे तो वो कह रहे थे कि ये इंटरेक्शन सेशन होगा, तो हमें पता नहीं था कि ये राइटिंग में देना है। सो राइटिंग में देना है तो हम देंगे, लेकिन वो अपना वेबसाइट या ईमेल आईडी शेयर करेंगे तो वो हम भेज देंगे, नहीं तो यहाँ जाके हम स्टेट माइनॉरिटी कमीशन में हमारे लेटर पहुँचा देंगे। लेकिन यहाँ इंटरेक्शन करना चाहिए था, और वो काट रहे थे कि जो राइटिंग में है वही बात कर सकता है, जो राइटिंग में नहीं लाए वो नहीं बात कर सकता है। ये जिस पता नहीं चला वो क्यों ऐसा कर रहे थे। और या थोड़े लोग राइटिंग में जो लाए थे अनफॉर्चुनेटली उन्होंने दिए, लेकिन जब हमारी बात यहाँ सुनने के लिए नहीं तैयार है तो हमें जो रिटर्न में दिए हैं वो क्या हल करेंगे, हमें तो कुछ भी उम्मीद नहीं है। तो मतलब आपको उम्मीद नहीं है इस मीटिंग से? नहीं, ये तो बेकार मीटिंग है, जस्ट अपने बीजेपी को हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी में दिखाना चाहते थे कि हम देखो कितने महान हैं, हम आपके लिए आपका सुनने आए हैं। ये एक नाटक था, वो इनके जो कंडक्ट से हमें वैसा लगा। सो वेलकम टू इंडियन मीडिया बुक। तो सर माइनॉरिटीज़ को अगर हम माइनॉरिटीज़ के मेन प्रॉब्लम्स को पूछें तो प्रॉब्लम होती है आइडेंटिटी की, प्रॉब्लम होती है इनसिक्योरिटी की, सिक्योरिटी की, और प्रॉब्लम होती है कि इक्वालिटी की। तो इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप क्या देते हैं? देखिए, इन सब प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन आप समझ लीजिए, मैं आपके चैनल के जरिए ही बता देता हूँ ये बात, कि जो माइनॉरिटीज़ है उस माइनॉरिटीज़ को एक बात समझ लेना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी और मौत का मालिक जो है ना वो अल्लाह है। ठीक है, तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, डरना जिससे चाहिए उससे डरिए, अल्लाह से डरिए। तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे हिंदुस्तान का संविधान कानून सबको बराबरी का दर्जा दे रहा है। किसी को कहीं पर भी ये लगता हो कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, वो कोर्ट उसके लिए खुले हैं। ये हिंदुस्तानी है जहाँ रात को दो दो तीन तीन बजे माइनॉरिटीज़ के लिए भी कोर्ट खुले हैं, जस्टिस उनके साथ इनजस्टिस में ना बदल जाए इसलिए हुआ, और सबके साथ न्याय बराबर हो रहा है। आप जब ये तीन बातें आपने कही हैं तो इनके साथ ये भी कहना चाहिए कि यही हिंदुस्तान की माइनॉरिटी है जिसको यहाँ की न्यायपालिका पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। तो सर ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद ही इनसिक्योरिटी ज्यादा बढ़ चुकी है। पता नहीं आपको लग रहा होगा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। तो सर आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं खुद? नहीं सर, नहीं कर रहे। थैंक यू वेरी मच। आगे मेरे बात का जवाब आपने दे दिया, आगे बताएं। तो सर जब हम माइनॉरिटीज की बजट की बात करते हैं तो माइनॉरिटी की बजट बहुत कम हो चुकी है। नूरान, इसको ऐसे मत देखिएगा, इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। सिर्फ माइनॉरिटी का बजट नहीं घटा है, बल्कि बजट हर मिनिस्ट्री का घटाया गया ये कोरोना पेंडेमिक का टाइम है। इस कोरोना पेंडेमिक में सभी का बजट घटाया, और मैं आपके इस चैनल के जरिए पूरे कर्नाटका के लोगों को ये गुड न्यूज़ दे रहा हूँ कि आने वाला बजट बहुत बेहतर होगा। तो सर ऐसे दो थोड़े से क्रिटिकल इश्यूज हैं जो कर्नाटका में चल रही है, एक है बग बोर्ड का इशू और दूसरा है डीजे हली और केजे हली के जो विक्टिम्स जो पकड़े गए हैं वो इशूज। ये दो इश्यूज के बारे में आप क्या क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है, कर्नाटका वक्फ बोर्ड में हुए लगभग 10 लाख करोड़ के घोटाले के लिए जो अनवर मनीपड़ी रिपोर्ट है उसके मुताबिक मैं स्टेट गवर्नमेंट से स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं कि उसमें सीबीआई इंक्वायरी सेटअप कराई जाए। और कुछ 55 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने सियासी और आर्थिक मफाद को हल करने के लिए खुद एमएलए एमपी और खुद ऐश की ज़िंदगी गुजारने के लिए मुस्लिम कौम की 10 लाख करोड़ रुपए की वो प्रॉपर्टी हजम कर ली जिस पे यतीम बेवा गरीब और मिस्किनों का हक था। वहाँ पर होटल बन गए, कॉलेजेस बन गए हैं, मॉल्स बन गए हैं। मैं चाहता हूं
के सुप्रीम कोर्ट के 1998 के ऑर्डर के मुताबिक कि जहाँ वक्फ प्रॉपर्टी एक बार वक्फ हो गई वो हमेशा से हमेशा के लिए वक्फ रहेगी, चाहे उस पर कुछ भी बन जाए। अगर 5-स्टार होटल भी है तो वो वापस मिलना चाहिए ताकि मुस्लिम कम्युनिटी का उद्धार हो सके, वो पैसा उनके डेवलपमेंट में लग सके। रही बात जो आप ये बता रही हैं कि जो लोग जेलों में हैं वो मामला कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट उस पर डिसीजन। तो सर क्या इट वाज कंपलसरी कि वो विक्टिम्स के ऊपर यूएपीए एक्ट लगाया है? तो कानून बताएगा ना, मैं थोड़ी तय करूंगा, आप थोड़ी तय करेंगे। तो अब तक माइनॉरिटी लीडर्स इसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड क्यों लेंगे भाई? क्यों लेंगे, कोर्ट के मामले में क्यों स्टैंड लेंगे? कोर्ट अपना काम कर रहा है, कि आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है ये कहना चाह रही है? तो सर कानून पे भरोसा है कि नहीं है? है, कानून पे भरोसा है तो कानून न्यायपालिका अपना काम कर रहा है।